पांचवा नंबर कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6n किस पर समाप्त होगी? शून्य पर होगा, ये हम लोग को पता करना है। चलो देखते हैं क्या क्या लिखना है। शुरू से जो हम लोग को लिखना होता है, सबसे पहले पांच नंबर बना रहे हैं, पांच नंबर क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, हल लिखने के बाद लिखेंगे जो संख्या उसको पहले लिख लो। कौन सा संख्या दिया हुआ है? 6n, ये दिया हुआ है 6n है। हम लोग क्या करेंगे, इस 6n को आगे बढ़ाएंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 × 3 द्वितीया 6, यही होगा। इसके अलावा और कुछ होगा क्या? तो देखो इसका गुणनखंड में क्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आया, 2 और 3 आया, है कि नहीं? तो अब हम देखेंगे, ये कहेंगे कि ये संख्या शून्य पर अगर यदि समाप्त होगा तो ये निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक यदि हम लोग का शून्य होता है, क्या होता है? शून्य होता है, तो वो संख्या निश्चित रूप से ही किससे कटेगा? पाँच से कटेगा, है कि नहीं? और जो संख्या 5 से कटेगा उसका अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 5 होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे उदाहरण के तौर पर कोई संख्या है 100, ये 100 अगर है तो ये 5 से विभाजित होगा, ये 105 से विभाजित होगा, क्योंकि इसका अंत में क्या है? शून्य। जिस भी संख्या के अंत में शून्य होगा वो 5 से विभाजित होगा, और जब 5 से विभाजित होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा? 5 होगा। इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा ना, इसको करेंगे तो 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 × 5 = 25। तो इस 100 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया? एक अभाज्य संख्या 5 आया। अब 10 मेरा 5 से विभाज्य है, मतलब 10 का अभाज्य गुणनखंड में एक 5 भी है। 30 की बात करेंगे तो शून्य पर समाप्त हो, ये 30 का अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या 5 भी है, 2 से 15, 3 से, हो गया 5 × 15 = 30। तो इसमें हम देखेंगे ये 5 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो हम इस प्रकार से कहेंगे, यदि ये 6n, यदि ये 6n संख्या शून्य पर समाप्त होगा, n प्राकृतिक संख्या है, n कुछ भी हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। 6 n अगर 1 है तो 6 हो जाएगा, n अगर 2 है तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो हम जानते हैं 6 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया, इसमें 2 और 3 है, 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, 2 और 3 के अलावा भी 5 होना चाहिए था, होना चाहिए था लेकिन नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग संख्या 6n को, जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखना है, ठीक है? संख्या 6n को शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, होने के लिए, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ठीक है, परंतु छ एन में
केवल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दो और तीन ही है, दो और तीन ही है, ठीक है। इसके ध्यान से लिखना, अतः ठीक है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ठीक है, जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है, हो गया। ये इतना ही लिखना है, n कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इस 6n को क्या बना दे, शून्य बना दे। समझ में आ रही बात? अब उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग ये लेते हैं, n अगर हम लोग कुछ भी लेते हैं, प्राकृत 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लेंगे, तो 6n मतलब 6 पर अगर 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 पर अगर हम 2 डालेंगे तो 6, 6, 36 हो जाएगा। 6 पर अगर 3 डालेंगे तो 36 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो क्या हम लोग का संख्या ये शून्य पर समाप्त होगा? नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। समझ में आई बात? चलो इतना ही लिखना, जैसा लिखें वैसा ही करना है।